मूवी की शुरुआत होती है हेनरी से, जो कि समुद्र किनारे सी पार्क में जॉब करता है। यह एक दिलफेक आशिक होता है। दरअसल वह किसी भी रिश्ते में कमिटेड नहीं होना चाहता। एक दिन वह एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम लूसी होता है। वह उस लड़की को देखता है और अटैक हो जाता है, लेकिन वह उससे बात नहीं करता क्योंकि वह एक लोकल लड़की होती है और हेनरी किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहता। वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन पूरा दिन उसके दिमाग में लूसी छाई रहती है। वह ना चाहते हुए भी अगले दिन उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर लूसी बैठी होती है। लूसी अपने ब्रेड से खेल रही होती है। दरअसल वह ब्रेड से घर बना रही होती है, लेकिन उसका दरवाज़ा फिट नहीं कर पा रही होती। तब भी हेनरी वहाँ से टूथपिन उठाता है और फिर उसके दरवाजे पर लगा देता है, और उसके बाद दोनों की बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है। लूसी पूछती है कि क्या तुम एक हार्ट अटैक हो। हेनरी कहता है कि नहीं, मैं सी पार्क में जॉब करता हूँ। लूसी कहती है कि तब भी मुझे अजीब सी स्मेल आ रही है। हेनरी कहता है कि हाँ, सुबह मैं एक चीज़ को खिला रहा था और उसके बाद नहा लिया हूँ। लूसी कहती है कि मुझे यह स्मेल पसंद है क्योंकि मेरे भाई और पिताजी फिशरमैन हैं। जब वह समुद्र से बहुत दिनों के बाद लौटते हैं, तब मैं उनके गले लगकर बहुत खुश होती हूँ। मुझे यह स्मेल बहुत पसंद है। हेनरी कहता है कि तुम मेरे हाथों को जितनी देर चाहो सूंघ सकती हो। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बात करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जब यह जा रहे होते हैं तो लूसी कहती है कि हम दोबारा मिलेंगे और ब्रेकफास्ट साथ करेंगे। इस बात से हेनरी खुश हो जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। उसी शाम को फेडरी एक लड़की के साथ बाहर बैठा होता है। वह एक टूरिस्ट है। वह हेनरी को नाइट स्पेंड करने के लिए बोलती है, लेकिन हेनरी को चारों तरफ लूसी दिख रही होती है और वह उस लड़की को मना कर देता है। अगली सुबह हेनरी उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ लूसी ने मिलने का वादा किया था। जब वह वहाँ पहुँचता है तो लूसी नहीं होती, लेकिन कुछ ही देर बाद लूसी वहाँ आ जाती है और टेबल पर जाकर बैठ जाती है। हेनरी उसे कहता है कि आज मैंने पूरी रात मछलियों के साथ खेला है, तुम जितना चाहो मेरे हाथ को सूंघ सकती हो। लूसी कहती है कि मैं तुझे जानती तक नहीं हूँ, और इसके बाद वह रेस्टोरेंट के मालिक को बुलाती है और रेस्टोरेंट के मालिक की बीवी आती है और वह हेनरी को बाहर ले जाती है और कहती है कि लूसी एक खास लड़की है। आज से 10 साल पहले जब उसका पिताजी का बर्थडे था तो यह उसके साथ पाइनएप्पल लेने गई थी, और जब यह वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में लूसी के दिमाग पर चोट लगी, जिसकी वजह से उसे पिछले दिन का कुछ भी याद नहीं रहता। हेनरी कहता है कि मैं जानता हूँ यह सब झूठ है, तुम उससे मेरा पीछा छुड़ाना चाहते हो। वह कहती है कि काश यह झूठ होता, लूसी तुम्हें जानती तक नहीं है, उसे पता भी नहीं है कि कल तुम उससे मिले थे। हेनरी कहता है कि क्या उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लूसी को एक्सीडेंट से पहले की सारी बातें याद है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। जब वह रात में सोती है और सुबह उठती है, उसे लगता है कि आज उसके पिताजी का बर्थडे है। उससे तो यह तक नहीं पता कि 1 साल बीत चुका है। हेनरी कहता है कि यह रोज अखबार पढ़ती है। रेस्टोरेंट की मालकिन कहती है कि उसके पिताजी ने ऐसे बहुत सारे अखबार उसके लिए छपवा रखे हैं। यह उसी दिन का अखबार है जब उसके पिताजी का बर्थडे था। जब यह प्रतिदिन सुबह उठती है तो उसके पिताजी का एक अखबार उसके तकिए के नीचे रख देते हैं। लूसी हमारे रेस्टोरेंट में इसलिए आती है क्योंकि उसे लगता है कि आज संडे है, क्योंकि हर रविवार को यह हमारे रेस्टोरेंट में आया करती थी। लूसी एक ही दिन को हर रोज जीती है। यह सब सुनने के बाद हेनरी कन्फ्यूज हो जाता है। परेशान होकर हेनरी वहाँ से चला जाता है और लूसी भी अपने घर चली जाती है। घर पर लूसी के पिताजी और भाई होते हैं जो उसे यही जताते हैं कि आज उसके पिताजी का बर्थडे है। लूसी के पिताजी उसे पाइनएप्पल दिखाते हैं, जिस बात से लूसी खफा हो जाती है। लूसी के पिताजी अपने व्हाट्सएप में ले जाते हैं और कहते हैं कि मैंने इसे वाइन रंग में पेंट कर दिया है, क्यों ना तुम उसे कलर कर दोगे। लूसी कहती है कि यह बहुत ही अच्छा आइडिया है, और अब लूसी दीवार में पेंट करना शुरू कर देती है और उसके पिताजी बाहर हॉल में आकर बैठ जाते हैं। लूसी जब पेंटिंग करके हॉल में आती है तो वह लोग मैच देखना शुरू करते हैं। दरअसल लूसी के पिताजी के पास उसी मैच का रिकॉर्ड वीडियो होता है जिसे वह लोग हर रोज देखते हैं। इसके बाद वह लोग केक काटते हैं। केक काटने के बाद लूसी अपने पिताजी को एक गिफ्ट देती है। यह गिफ्ट होता है 6S मूवी का कैसेट। लूसी कहती है कि हम लोग साथ बैठकर इसी मूवी को देखेंगे। उसके पिताजी और भाई उदास होकर बोलते हैं कि मजा आएगा क्योंकि वह लोग इस मूवी को हर रोज देखते हैं।
अब टीवी पर मूवी चल रही होती है और उसके पिताजी सो रहे होते हैं क्योंकि वे पिछले एक साल से इस मूवी को देख रहे होते हैं। मूवी देखने के बाद लूसी अपने कमरे में सोने चली जाती है। लूसी के पिताजी केक को फेंक देते हैं और जिस दीवार को लूसी पेंटिंग की होती है उसे फिर से वाइट रंग में पेंट कर देते हैं ताकि लूसी कल दोबारा पेंटिंग कर सके। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह उसको नहीं पता लगने देना चाहते कि वह अपनी याददाश्त खो चुकी है। इसलिए लूसी के पिताजी और उसके भाई को हर दिन यह सब करना पड़ता है। दूसरे दिन लूसी उसी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है और वहाँ हेनरी आता है। लूसी से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि हेनरी कहीं ना कहीं लूसी को पसंद करने लगा है लेकिन उससे बिल्कुल बात नहीं करती। हेनरी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हेनरी दोबारा आता है तो आज भी लूसी उससे बात नहीं करती। तीसरे दिन हेनरी डब्ल्यू सी के साइड में बैठा होता है तो वह जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। यह देखकर लूसी उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। वह कहता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मेन्यू क्या लिखा है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। इस बात पर लूसी कहती है कि तुम मेरी टेबल पर आ जाओ, हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे और मैं तुम्हें कुछ वर्ड सिखा दूंगी। हेनरी कहता है कि ठीक है। दोनों साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। ब्रेकफास्ट करने जब दोनों बाहर जाते हैं तो लूसी कहती है कि अब मुझे जाना होगा। जब वह जाने लगती है तो हेनरी कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। लूसी कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरा नंबर मांगोगे, मुझे लगा था कि एक लड़का मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है तो उससे बात करने में क्या हर्ज है, लेकिन तुम एक नंबर के बहुत दूर निकले। और यह कहकर लूसी वहाँ से निकल जाती है। हेनरी भी उसके पीछे अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। तब भी उस रेस्टोरेंट की मालिक होती है, वह लूसी के पिताजी को फोन करके बोल देती है कि लूसी के पीछे कोई लड़का पड़ा है। जब हेनरी उसके घर पहुँचता है तो बाहर लूसी के पिताजी और भाई होते हैं। वह लोग हिंदी से कहते हैं कि लूसी ने एक साल में बहुत कुछ सहा है और हम नहीं चाहते कि उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी हो, इसलिए तुम लूसी से और रेस्टोरेंट से दूर रहो। हेनरी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वह रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि सड़क पर खड़ा होता है और वह यह बहाना करके खड़ा होता है कि उसकी गाड़ी बंद पड़ गई है। उसके हाथ में बैटरी का तार होता है और वह लूसी से हेल्प मांगता है। लूसी उसकी हेल्प करती है और यहाँ पर आज उसकी फिर से उससे दोस्ती हो जाती है। लेकिन सोकर उठने के बाद लूसी को कुछ भी याद नहीं रहता तो वह अगले दिन फिर से हेनरी को भूल जाती है। लेकिन हेनरी किसी न किसी तरह से लूसी से मिलता है और उससे दोस्ती करता है। एक दिन हेनरी अपने मुंह पर टेप लगाकर खुद को बांधकर उसी जगह पर खड़ा होता है जहां लूसी को आना होता है। लेकिन लूसी से पहले उसके पिताजी और भाई आ जाते हैं। वह कहते हैं कि एक बार तुम्हारा किडनैप खेल खत्म हो जाए तो तुम घर पर आ जाना। घर पहुंचने के बाद लूसी के पिताजी उसे वर्कशॉप में ले जाते हैं और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलने के बाद लूसी को दिखाते हैं जहां पर लूसी दीवार को पेंट कर रही होती है और गाना गा रही होती है। उसके डैड कहते हैं कि लूसी जब तुमसे मिलती है तो उसी दिन वह गाना गाती है। लूसी के डैड हेनरी से कहते हैं कि तुम यह सब क्यों करते हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है। हेनरी उसके पिताजी से कहता है कि सोचो एक दिन जब लूसी सुबह सुबह सोकर उठेगी और उसके चेहरे पर झुरिया होगी तब तुम उससे क्या कहोगे। लूसी के पिताजी कहते हैं कि इस बात से मैं रोज चिंतित रहता हूँ। इसके बाद हेनरी वहाँ से चला जाता है और अगले दिन उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर लूसी ब्रेकफास्ट कर रही होती है। वह लूसी को दोबारा से पटाने की कोशिश करता है। तब भी लूसी देखती है कि एक पुलिस वाला उसके गाड़ी का चलान कर रहा है। वह भागती हुई बाहर जाती है और हेनरी भी उसके पीछे जाता है। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। लूसी कहती है कि लाइसेंस 7 महीनों में एक्सपायर नहीं होता। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। लूसी के सामने एक आदमी होता है जिसके हाथ में न्यूज़पेपर होता है। वह उसने न्यूज़पेपर छीन लेती है। जब वह उसमें डेट देखती है तो वह चकरा जाती है क्योंकि एक साल बीत चुका है और उसी को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद लूसी अपने घर जाती है और हेनरी भी उसके पीछे जाता है। उसके पिताजी लूसी को सब कुछ बता देते हैं कि कैसे उसे सुबह सोने उठने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता और कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था। इस बात से लूसी बहुत परेशान हो जाती है और अब लूसी हेनरी और उसके पिताजी और उसके भाई डॉक्टर के पास जाते हैं। वे लोग डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं
क्योंकि हेनरी को यह पता करना होता है कि लूसी को हुआ क्या है। सभी लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर उन लोगों से कहता है कि लूसी के सेंस बहुत ही सही है, स्टेबल है। सभी लोग अब घर वापस आ जाते हैं। हेनरी जब वहाँ से जा रहा होता है तो लूसी कहती है कि तुम्हें अब अलग अलग बहाने से मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। अब लूसी को सभी सच्चाई पता चल गई है। वह प्रतिदिन सुबह उठकर हेनरी द्वारा दी गई कैसेट को देखती है, जिसमें थोड़ी सी वीडियो हेनरी की भी है। लूसी को पता चलता है कि हेनरी उससे प्यार करता है, लेकिन हेनरी को रोज सुबह ऐसा कुछ करना पड़ता है कि लूसी को उसे दोबारा प्यार हो जाए। और हेनरी ऐसा करता भी है क्योंकि वह लूसी से बहुत प्यार करता है। लूसी हेनरी और उसके पिताजी को बात करते हुए सुन लेती है कि हेनरी लूसी से बहुत प्यार करता है और उसकी वजह से अपने सपने को पूरा नहीं कर पाती, तो लूसी को बहुत दुख होता है। लूसी सोचती है कि वह हेनरी से ब्रेकअप कर लेगी और किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, किसी के सपनों के बीच मैं नहीं आना चाहती। वह वीडियो टेप से हेनरी के सारे वीडियोस क्लिप को हटा देती है। जिस डायरी पर वह लिखती थी उस पर से हेनरी के नाम को मिटा देती है। वह हेनरी को भी मना लेती है कि अब हमें अलग अलग रास्ते पर चलना होगा। अब लूसी और हेनरी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब हेनरी अलास्का जा रहा होता है तभी लूसी के पिताजी वहाँ आ जाते हैं। वह हेनरी को बताते हैं कि लूसी ने हॉस्पिटल में रहना शुरू कर दिया है। हेनरी पूछता है कि ये सब कब हुआ। लूसी के डैड कहते हैं कि 3 हफ्ते पहले मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया। उसके पिताजी यह भी बताते हैं कि लूसी पेंटिंग करते हुए रोज़ गाना गाती है। और इसके बाद हेनरी वहाँ से अपने आगे के सफ़र पर चला जाता है। हालांकि हेनरी नहीं जाना चाहता क्योंकि वह लूसी से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब लूसी से दूर है और हेनरी के पास अब कोई रास्ता नहीं है। जब वह अपनी बोट चला रहा होता है तब भी उसे याद आता है कि लूसी आजकल पेंटिंग करते हुए रोज़ गाना गाती है। पहले ऐसा तब भी होता था जब वह हेनरी से मिलती थी। हेनरी यह समझ जाता है कि कहीं ना कहीं मैं लूसी के यादों में हूँ, मैं उसके साथ हूँ। हेनरी अपनी बोट को घुमा लेता है और सीधा लूसी के पास जाता है। लूसी वहाँ पर अपने मरीजों को पेंटिंग करना सिखा रही होती है। वह हेनरी को देखकर हैरान हो जाती है। वह अपने कमरे में ले जाती है। उस कमरे में जाने के बाद हेनरी बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि लूसी ने उसके बहुत सारे पेंटिंग बनाए होते हैं। लूसी उसे बताती है कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन हर रोज़ तुम मेरे सपने में आते हो। हेनरी लूसी से कहता है कि रोज़ सुबह जो तुम डायरी पढ़ती हो उसमें मेरे बारे में बहुत सारी बातें हुआ करती थी, लेकिन तुमने मुझे अपनी यादों से मिटा दिया। तुम्हें ऐसा लगता था कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकता, लेकिन यह सच नहीं है। मैं तुम्हारे सिवा किसी के साथ खुश नहीं रह सकता। इसके बाद कहानी में आगे यही दिखाया जाता है कि जब लूसी नींद से उठती है और जब वह उस वीडियो टेप को देखती है जिसे वह रोज़ सुबह उठने के बाद देखती है, उसमें यही दिखाया जाता है कि हेनरी और लूसी की अब शादी हो चुकी है। लूसी के पास एक मैसेज बैठा होता है जिसमें लिखा होता है कि जब तुम सोकर उठ जाना तो जैकेट पहनकर बाहर आ जाना। लूसी हेनरी के बोट पर होती है क्योंकि हेनरी अपने सपने पूरे करने के लिए अलास्का जा चुका है। वह अपने सपने को पूरा कर रहा होता है। वहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि लूसी के पिताजी उसके भाई और उसकी बेटी होते हैं, जिसे उसे हर रोज एक नए बच्चे के रूप में मिलना पड़ता है। लेकिन अब यह सभी लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।